हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पूनम बर्दवाल आप सबका अपने एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे, और हम सब भी यहाँ पे अच्छे से हैं। और नए साल की शुरुआत हो चुकी है, आज है 1 जनवरी। जैसे नए साल का नया दिन आज शुरू हो चुका है, मेरा भी आज का नया ब्लॉग शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। हमारी सुबह हो चुकी है और अभी हम नहा के अच्छे से, तो मेरे ही नए साल का फर्स्ट ब्लॉग है, तो हम शुरुआत करेंगे भगवान जी के प्रसाद से। तो फिर हम पूजा पाठ करेंगे और फिर अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे। हम पहाड़ों से दूर हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम अपने पहाड़ी रीति रिवाजों को कभी नहीं भूल सकते हैं। और हमारे पूजा करने का तरीका वहाँ पे इस तरह से होता है, पहले बनाते हैं चूरमा, रोट, ये सारी चीजें। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ चूरमा, तो फिर चूरमा बनाते बनाते बातें करते हैं। हम लोग खुशियों को एंजॉय करने का सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। और हम लोग मुंबई में रह के भी हमारे गांव में जितने भी फेस्टिवल होते हैं, जितने भी त्यौहार होते हैं, सारे मनाते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे रात के 12 बजे उठो चाहे 2 बजे उठो, 12 बजे भी हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ लोग जगे हुए रहते हैं। और सुबह के 5 बजे उठो या 4 बजे उठो तब भी लोग यहाँ पे जगे हुए रहते हैं। कुछ टाइम पिछले 1-2 सालों से यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं ना जिंदगी जैसे थम सी गई थी। तो अभी मैं उम्मीद करती हूँ, भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि इस नए साल में सब लोग अपने कामों में और अपनी मंजिल को पाने के लिए जैसे भाग दौड़ करते थे या जैसे अपनी कोशिशें करते थे वैसे करते रहें, और उनको उनकी मंजिलें आसानी से मिल जाए और सारे दुख तकलीफ इस नए साल में सारे छूमंतर हो जाए। पिछले सालों के जैसे ये साल हमारा बिल्कुल भी ना रहे, ये साल हमारा बहुत खुशियों भरा रहे हर किसी का। और आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए ये चेंजेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी अक्की भी उठ चुकी है, ये देखो, ओहो उठी नहीं क्योंकि कल रात को हम बहुत देर से सोए थे, इसलिए अक्की की नींद अभी तक नहीं खुल रही। अक्की उठ जा बेटा, गुड मॉर्निंग। और चूरमा भी मेरा बन चुका है क्योंकि चूरमा बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप लोगों को चूरमा की रेसिपी देखनी है तो मेरे गणपति वाले वीडियोस को जरूर चेक करें और उसमें मेरे चूरमा की रेसिपी आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। अक्की उठ चुकी है, अक्की गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और अभी अक्की की नहाने की बारी है ना, हम सब तो नहा चुके हैं। ओहो, अक्की को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बोलो मुझे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं, बोलो बोलो तो, मुझे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्यों मम्मा मुझे नहलाती रहती है रोज रोज। और अभी हमारा लंच भी बन के रेडी है, और आज अभी मैंने बनाए गोभी मंचूरियन, दाल चावल, और थोड़ा सा अक्की के लिए मैंने सेवइयाँ भी बनाई है अभी। और ये फूल गोभी वाले मंचूरियन है,
और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6, तो लंच करने के बाद हम थोड़ी देर सो गए थे, अभी हम बाहर आए हैं घूमने के लिए। और ये सामने ठीक जो मेरी ये बिल्डिंगें दिख रही हैं, जब हम घर गए थे 1.5 साल के लिए तो उस टाइम पे ये बिल्कुल भी नहीं थी। और अभी हम दूध लेने जा रहे हैं स्कूटी पे, हमने यहाँ आगे डेयरी है वहाँ से दूध लगवाया है, तो अभी हम दूध लेने के लिए जा रहे हैं। जोर से तो बोलो, स्कूटी पे और जो ये मेरे राइट में दिख रही है बिल्डिंग है, 1 साल में यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि ये वाली तो पहले थी नहीं, उस टाइम पे सिर्फ काम चल रहा था इनका, और अभी वहाँ पे कंप्लीट हो के लोग रहने भी लगे हैं। और अभी अक्की का ये रोज का है, अक्की को भागना होता है और मुझे उसको पकड़ना होता है, तो देखिए अभी। और अभी हम अपनी बिल्डिंग के ही नीचे खेल रहे होते हैं और अक्की को यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ खेलना होता है, और अभी छोटे बच्चे कम आए हैं क्योंकि 6 बजे बाद ही हर कोई आता है। सार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहदम नमामि। ओम भूर्भुवस्वः, बोलो। तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब बोलो जय माता दी। टीका ये वाला है, वो अक्षत है बेटा। अक्षत अभी नहीं लगेगा, पहले टीका तो लगाओ। अब तो ये वाला चूज करना है। बोलो, मैं मम्मी को टीका लगा रही हूँ। मम्मी तो टॉटरस बना रही हूँ। गाल पे नहीं लगाते, यहाँ पे लगाते टीका। मम्मी के बिंदी के पास में लगाओ, ये वाली उंगली से लगाओ। थैंक यू अकी। ग्रीन वाला? ग्रीन नहीं है, वो रेड है। ये लाल वाला है, ये पीला वाला है, ये ऑरेंज वाला है, ठीक है। और यहाँ ऊपर पे हमने अन्नपूर्णा मैया का छोटा सा मंदिर बनाया है यहाँ ऊपर पे, और उसके लिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्टूल में चढ़ के जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर है, तो नीचे यहाँ पे कहीं बनाने के लिए था नहीं। और किचन में मुझे चाहिए था अन्नपूर्णा मैया का मंदिर, तो फिर हमने इसलिए यहाँ पे बनाया है। ये देखिए, तो अभी खाने में बनाने वाले हैं मटर पनीर बनाएंगे और हमारा पहाड़ी हलवा बनाएंगे आज। और अभी मैं ड्राई फ्रूट इमानजस्ता में इस तरह ऐसे हल्का सा दरदरा कर रही हूँ क्योंकि काटने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जो भी चीजें मैं ऐसे पाउच में रखती हूँ, मैं उसको इस टाइप से लॉक कर देती हूँ और ये बहुत अच्छा रहता है, इसमें सामान हमारा खराब भी नहीं होता है। और इसको लॉक को ऐसे खोलना है और ये कुछ ऐसे रहता है ये क्लिप, और इससे सामान कुछ भी हो, चाहे नमकीन हो, बिस्किट हो या फिर ये कोकोनट पाउडर हो, तो वो खराब नहीं होता है, उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं लगती। ये वाला घी जो मैं भी डाल रही हूँ, ये मैंने खुद ही बनाया है घर पे, मलाई वाला घी जो हम दूध लाते हैं उसी बनाया है। और अपने घर पे घी बनाने का फायदा ये है कि एकदम शुद्ध और प्योर रहता है। 1 हफ्ते की मलाई का घी बनाया है, गेहूं का आटा। और अभी मैंने आटे को सुनहरा कलर तक फ्राई कर लिया है, इतना ही करना है हमको। इसके बाद हमें डालना है ड्राई फ्रूट को भी थोड़ी देर हमको यहाँ पे रोस्ट करना है। थोड़ी देर तक इसको फ्राई करने में इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। और अब इसमें डालना है चीनी स्वाद के अनुसार।
और चीनी को थोड़ी देर फ्राई करना है। उसके बाद डालना है इसमें गरम दूध। गरम दूध डालने के बाद इसको लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल भी ना बने। अगर हम इसको थोड़ी धीरे धीरे घुमाते हैं तो इसमें थोड़े नम्स बन जाते हैं, तो इसको लगातार चलाते रहना है और फिर हमारा हलवा बन जाता है एकदम तैयार। ये देखिए अभी हमारा हलवा बन चुका है। मेरे हस्बैंड ने मेरी मदद की है थोड़ा हलवा बनाने में, तो मैं अभी साथ ही साथ रोटी भी डालने वाली हूँ। सब्जी हमारी रेडी है और मैंने मटर पनीर में आलू भी डाले हैं, तो हम तीनों के लिए इतनी सब्जी काफी है। और अभी हमारा खाना हो चुका है और अभी अक्की और अक्की के पापा की चल रही है मस्ती। नीचे पे बैठ के काट रही हूँ बीन्स और ये बीन्स खराब होने वाली है, तो इससे अच्छा मैंने कहा कि कट करके रख देती हूँ। तो ठीक है, फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करने का वक्त आ गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।